अब देखिए हीट इंजन, ठीक है, ये आयुष कहाँ रह गया? तो देखिए हीट इंजन, हीट इंजन क्या होता है? जाहिर सी बात है कि कोई भी इंजन जो हीट पे वर्क करता है, ठीक है, वो क्या करेगा? सपोज हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रिजर्वर होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एसटीआर, हाई टेम्परेचर रिजर्वर, मतलब एक सोर्स कहा जाता है जिसका टेम्परेचर हम लोग मान ले रहे हैं T1 है, और T1 क्या है, ये आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड द एचटीआर, हाई टेम्परेचर रिजर्वर, HTR, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर रिजर्वर, रिजर्वर है ना, वो IR होता है, हाँ रिजर्वर मतलब HTR हो गया, ठीक है। उसके बाद LTR होता है लो टेम्परेचर रिजर्वर। अब देखिए हमेशा हम लोग जानते हैं हीट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे है और ये क्या है T2 टेम्परेचर पे है, और हमें पता है कि इसे LTR मान रहे हैं हम, लो टेम्परेचर रिजर्वर मान रहे हैं, इसका मतलब अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो हीट कहां से कहां जाएगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। लेकिन मान लीजिए कि हम इसे कनेक्ट कर दें, है ना, इससे हम कनेक्ट कर दें तो हीट चलेगी यहां से और एसटीआर से कहां चली जाएगी, एलटीआर चली जाएगी, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वर से हीट, है ना, स्पॉन्टेनिटी रहेगी कि हमेशा स्पॉन्टेनिटी मतलब नेचुरल प्रोसेस है ना, कि वो हमेशा एसटीआर से एलटीआर जाएगी, सारी की सारी हीट क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है ना, क्योंकि एसटीआर से एलटीआर जा रही है उसका कोई भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको यूज करें, एक मैकेनिज्म डेवलप करें, एक सिस्टम डेवलप करें ताकि हम उस हीट को क्या कर पाए, यूज कर पाए, और उस यूज का मतलब इन द सेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क, हम मैकेनिकल वर्क करा लें, तो अगर हम मैकेनिकल वर्क करा लेते हैं उस हीट को यूज करके, तो हम कहेंगे जो सिस्टम डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट इंजन कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे हमने क्या किया कि एक, ठीक ठीक देखिए, तो जो हाई टेम्परेचर रिजर्वर हीट चलेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर सी कि यहां पे हम देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो भी आपके पास बाइक होती है, बाइक का इंजन एक तरह से क्या है, हीट इंजन है, उसका होता क्या है कि पेट्रोल बर्न करता है, गैसोलाइन कहते हैं ना, बर्न करता है, हीट जनरेट होता है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वर हो गया आपका, वो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम होगा उसका, जितने भी सीसी का इंजन हम लोग कहेंगे, उसके अंदर जो गैसेस पड़ी होंगी, जो एयर है ना, जो पड़ी होगी एयर, वो क्या काम कर रही है, वर्किंग सब्सटेंस का काम कर रही है। अब जब सॉफ्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक क्रैंक या सॉफ्ट, तो मान लीजिए ये क्रैंक है ना, और ये क्या करेगा, पिस्टन को प्रेशराइज किया जाएगा या सॉफ्ट को प्रेशराइज किया जाएगा, क्या करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ये बात समझ में आया ना, और ये कहीं ना कहीं किसी चीज से अटैच होगा, एक्सेल से अटैच होगा, जो इसको क्या कराएगा, मूव कराएगा, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि ये इसको एक्सपेंड, जो हीट एब्जॉर्ब किया इस गैस ने, जब गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गैसेस क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, एक्सपेंड करेंगी तो इस पिस्टन में मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करेंगी, ये बात समझ में आया ना, जब मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करेंगी तो क्रैंक क्या होगा, सॉफ्ट उधर तरफ मूव करेगा, जिसको हम लोग एक मैकेनिज्म के हिसाब से इसे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसे आपका व्हील जो चक्के से अटैच होगा, चेन के थ्रू, पुली के थ्रू, जो भी सिस्टम लगा दे, भी चक्का आपका क्या होगा, घूमेगा। इसका मतलब कि जो हीट एब्जॉर्ब किया गया, ये वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड हुआ, और क्या जो हीट एब्जॉर्ब किया गया यहाँ पे, सपोज हमने ये कहा
यहां से Q1 हीट एब्जॉर्ब किया गया, क्या पूरा का पूरा हीट इसे कन्वर्ट करने में चला जाएगा या पूरा पूरा वर्क करेगा? तो आंसर है नहीं, है ना, पूरा वर्क, पूरा का पूरा हीट Q1 वर्क में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ अमाउंट LTR लो टेम्परेचर रिजर्वर में जरूर रिजेक्ट होगा, ये बात समझ में आया ना। अदरवाइज अगर LTR ना रहे, सपोज अगर हम ये मान लें ये सिस्टम हम हटा देते हैं, अगर ये सिस्टम आप हटा देंगे तो हीट फ्लो ही नहीं करेगा, हीट वहां से यहां आएगा ही नहीं। हीट को ऑलवेज फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब एक HTR है तो LTR का होना जरूरी है। इसका मतलब कि जो भी Q1 आएगा इसको कंप्लीटली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वर्क में, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिजेक्ट होगी LTR को, ये बात समझ में आया ना। इस चीज को हम कभी भी सीज नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गया। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, वर्किंग सब्सटेंस उसका अ पार्ट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा और रेस्ट ऑफ पार्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप ये कहोगे कि जो Q1 हीट है ये तो लिया गया, इसके दो पार्ट किए गए, एक वर्क करने में, मैकेनिकल वर्क करने में, और दूसरा LTR को रिजेक्ट करने में, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जो ये एनर्जी थी इसके इक्वल होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब जो वर्क है इंजन कोई भी हो, वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 के इक्वल हो जाएगा, एक ये बात आ गई। अब रही बात इस इंजन के एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी हम लोग कैसे कहेंगे, एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी का मतलब कि अगर इसे नीटा से दिखाते हैं, एफिशिएंसी हो गया कि Q1 अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट का क्या था, ये इन्वेस्टमेंट था, एक तरह से हीट लिया गया इंजन के द्वारा। अब लेकिन उसने वर्क कितना किया, आउटपुट वर्क क्या हो गया, W हो गया, तो ये इनपुट एनर्जी हो गई, ये क्या हो गया, आउटपुट वर्क हो गया, तो ये एफिशिएंसी हो गई W/Q1। लेकिन इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, W/Q1 × 100, ठीक है, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में एफिशिएंसी हो गई, ये बात समझ में आ गया, ठीक। तो ये कोई भी हीट इंजन होगा, ये सारी चीज क्या क्या चीजें होंगी, HTR होगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वर होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वर होगा, वर्किंग सब्सटेंस होगा जो गैसेस है। सपोज अगर मान लीजिए आपसे हम ये कह दे कि आपकी बाइक आपके साथ मून पे छोड़ दिया गया, अब समस्या क्या है, पेट्रोल डालेंगे जलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पे। अगर मान लीजिए किसी तरह से जलने की व्यवस्था कर दिया आपने, उसके अंदर क्या कर दिया आपने, लिक्विड ऑक्सीजन फिलअप कर, जिससे रॉकेट होती है, जब रॉकेट यहां से जाती है तो उस फ्यूल में ही ऑक्सीजन मिला होता है ना, कंप्लीट कंबसन की वही गारंटी देता है ना, क्योंकि स्पेस में ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो ऑक्सीजन तो मिलने वाला नहीं है, पूरी तरह से जलेगा ही नहीं, और नहीं जलेगा तो सिर्फ धुआं धुआं दिखेगा और अनबर्न फ्यूल आपका रह जाएगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि पूरी तरह से फ्यूल बर्न कर जाए, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन क्या करी जाती है, पहले से मिला दी जाती है फ्यूल में। इसका मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम आपने डेवलप कर लिया कि बाइक में पेट्रोल भी रखे हैं और आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन भी है ताकि आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन सपोज उस समय होगा क्या कि जल जाएगा पेट्रोल, हीट जनरेट होगी, लेकिन इंजन के अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस ही नहीं है, जो यहाँ भगवान ने नेचुरल आपको दे रखा है कि गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, सब एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, तो वो तो आपके हर पार्ट में मौजूद है, इंजन में भी अंदर मौजूद है जो एक्सपेंड कर रही है, लेकिन क्या वहां पे ये चीज मिलेगी, वर्किंग सब्सटेंस वहां पे होगा ही नहीं। इसका मतलब आपका क्रैंक या सॉफ्ट आगे पुश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो भी वहां पे HTR होगा, जो भी एनर्जी होगी, वो सीधे आएगी और सिंक की तरफ चली जाएगी, ये बात समझ में है ना, लेकिन आप उसको इस्तेमाल
नहीं कर सकते हो, वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस का होना जरूरी है। इसी तरह से स्टीम इंजन होते हैं, स्टीम इंजन में क्या यूज करते हैं, बॉयलर होता है, कोयला तो हीट के जनरेट एसटीआर मेंटेन करने के लिए जनरेट करते हैं ना, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, स्टीम होती है, वाटर होता है। हाँ, वाटर, वाटर तो वाटर को हम वेपराइज करते हैं एक तरह से हीट को यूज करके, और जो वेपर होती है वो प्रेशर जनरेट करती है, जो क्रैंक या शॉट पे प्रेशर जनरेट करती है, तो वो क्या होता है, घूमता है। ये बात समझ में आया ना? तो वर्किंग सब्सटेंस वहां पे वाटर वेपर हो गई, या वाटर हम लोग कह लें, ये बात समझ में आ गया। अब फिर वो रेगुलेट करके वापस भेजा जाता है, उसी पानी को बार बार क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यही होता है, वो भी एक हीट इंजन है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर का क्या रोल है, वो एसटीआर मेंटेन करता है, वो क्या जनरेट करता है, एसटीआर, हाई टेम्परेचर रिजर्वर। वही काम कोल को बर्न करके आप एसटीआर जनरेट करते हो, एलटीआर आपका एटमॉस्फेयर हो जाता है, बीच में वर्किंग सब्सटेंस आपका वाटर वेपर दोनों जगह होती है, चाहे कोल वाले में बात कर ले, चाहे आपका कहां बात कर ले, न्यूक्लियर वाले में बात कर ले। और जो हमारा बाइक होता है, स्कूटी होती है, जो ये है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका वही एसटीआर है और एलटीआर एटमॉस्फेयर हो गया, इसीलिए हीट इंजन गर्म हो जाता है। तो किसी में क्या होता है, एयर कूलिंग होती है हवा से, और किसी में क्या होता है, लिक्विड कूलिंग दी जाती है ना, जो लिक्विड रेडिएटर्स जो होते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहीं पे बगल में आपको क्या किया जाता है, एलटीआर जनरेट किया जाता है, और बाद में वो एयर के द्वारा ही कूल होता है फाइनली। लेकिन सबसे पहले जो लिक्विड कूलिंग होती है, लिक्विड सारी हीट को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। यही काम क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जो यहाँ हीट जनरेट होती है, उसके हीट को रेडिएट करने के लिए एक तो बहुत मेटल बॉडी रखी जाती है, पहली बात, ताकि एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती रहे और वो ठंडा होता रहे, और साथ में उसमें ऑयल भी डाला जाता है ना, जो उसके अंदर ऑयल डाला जाता है जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये बात समझ में आया ना? और ऑयल की जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। थोड़ा सा हीट दोगे ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो, जब मान लीजिए किचन में पूड़ी उड़ी तली जाती है और कढ़ाई उतार के रख दी जाए किनारे, उस समय तो बहुत गर्म रहेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और उसी के साथ अगर पानी आपने गर्म कर रखा है और उसको रखे, तो पानी जल्दी नहीं ठंडा होगा, क्योंकि हाँ देर में ठंडा होगा, देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। लेकिन तेल क्या है, जल्दी गर्म होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कम होती है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ये बात समझ में आया ना? तो ट्रांसफार्मर में इसे डाल दिया जाता है कि वो जल्दी से गर्म हो जाए, और जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी तेजी से एटमॉस्फेयर में हीट क्या करेगा, वो रेडिएट कर देगा, लॉस कर देगा, तो वो ठंडा हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। ये बात समझ में आ गया? तो वर्किंग सब्सटेंस का बहुत बड़ा रोल है, ताकि आप मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है, ये वर्क में कन्वर्ट कर पाओ। तो दो फैक्ट है कि Q1 कंप्लीटली नहीं कन्वर्ट किया सकता है वर्क में, और पार्ट ऑफ एनर्जी जरूर रिजेक्ट होनी चाहिए, वरना LTR का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर LTR की एग्जिस्टेंस है तब हीट रिजेक्ट होगा, है ना, और LTR के बिना एग्जिस्टेंस के कोई इंजन बनाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी WQ1 के इक्वल नहीं होगा, जो एफिशिएंसी हमने लिखी है ये Q1 के इक्वल नहीं होगा, W हमेशा Q1 से कम होगा। इसका मतलब कि अगर ये Q1 के इक्वल होता तो Q1 अपॉन Q1 1 आ जाता, एफिशिएंसी क्या आ जाती, 1 आ जाती, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो एफिशिएंसी कभी भी किसी हीट इंजन की 1 नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आया ना? हमेशा हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। ये बात समझ में आए? यही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यही सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक। तो वर्किंग सब्सटेंस हमने क्या कहा, एसटीआर, एलटीआर और वर्किंग सब्सटेंस, ये तीन चीजों का इंपॉर्टेंस है। आपके डिफरेंट हीट इंजन क्या होते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। अब आगे हम लोग कुछ स्पेसिफिक बात करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लिया है, नोट कर लो इसमें, अलग की बात है। देखो, अब देखिए, हीट इंजन जो होते हैं हमेशा साइकिल पे वर्क करते हैं। साइकिल मतलब अपने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होते हैं, इंटरमीडिएटरी स्टेट से होते हुए फिर इनिशियल स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो उनका इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होता है। जैसे अगर हम कुछ साइकिल बनाएं, आपको पहचानना है कि हम कैसे 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 हम पहुंच रहे हैं। सपोज ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ पे कुछ आपके पास क्या था, प्रेशर वॉल्यूम था पॉइंट ए पे, और ए से हम लोग गए बी, ठीक, बी से हम गए सी, और सी से गए हम डी, और डी से हम फिर ए आ गए। ये बात समझ में आया, डी से ए आ गए। इसका मतलब
स्टेट ए से स्टार्ट किए थे और फिर स्टेट ए में आ गए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो ए से बी क्या है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा, कुछ वी नॉट जो भी रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और बी से सी गए, इसका तो क्या कांस्टेंट रखे हम, प्रेशर क्या करे कांस्टेंट रखे, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। तो पहले हमने क्या किया, आइसोकोरिक प्रोसेस, देन आइसोबारिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, और फिर आइसोकोरिक है सी से डी जाने में, और डी से ए में आइसोकोरिक क्या है, अरे आइसोबारिक कंप्रेशन है, डी से ई में वापस हम वहां पहुंच गए। ये बात समझ में आया ना, तो ये एक तरीका है, इस पे कोई इंजन काम कर सकता है। दूसरा तरीका, दूसरा इंजन हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, और यहां से कोई स्टार्ट हुआ ए, और क्या हुआ, आइसोथर्मली इंक्रीज किया किसी वॉल्यूम बी तक, ठीक है, ये आइसोथर्मल कर्व है बी तक, बी से क्या हुआ सी हुआ, और सी से क्या हुआ हम लोग डी आए। अब बताइए ये साइकिल कैसे बनी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये कहा जाएगा आइसोथर्मल है, क्योंकि ऐसे देख के नहीं पहचान सकते, ये बस समझ में आया ना, क्योंकि एडियाबेटिक भी हो सकता है, सेम कर्व होता है। बी से सी, बी से सी क्या हो गया, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमेशा, है ना, और सी से ए क्या रहा, आइसोबारिक कंप्रेशन, ये बात समझ में आया ना, साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए हीट इंजन को हम कैसे काम करवाएं, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, हमने क्या किया ए से बी, ठीक है, हम लोग एडियाबेटिकली गए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ए से बी, ठीक, ए से बी क्या है एडियाबेटिक, हमने कोई भी हीट दिया नहीं, है ना, ना हीट वहां से रिजेक्ट हुआ, और बी से सी, ठीक है, ए से बी और मान लीजिए बी से सी क्या हो गया, ये क्या है, क्या कांस्टेंट रखे हैं बी से सी, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, देख के डायग्राम बनाओ, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और फिर हम सी से क्या गए हम लोग, मान लीजिए आइसोथर्मल गए, आइसोथर्मल लेकिन लेस क्या होता है, है ना, ये आइसोथर्मल चले गए, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होगा, है ना, तो हम लोग पहले क्या हुआ, ए से बी एडियाबेटिक और बी से सी क्या रहा आइसोबारिक, देन सी से ए क्या हो गया आइसो थर्मल हो गया, ये थोड़ा सा कर्व बनाइएगा ना, स्ट्रेट लाइन लग रहा है हमारा यहाँ बोर्ड पे, ठीक, तो ये आइसो थर्मल हो गया, ये भी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये जितने भी हीट इंजन जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए, चाहे इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए, चाहे इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए, सब में क्या होगा, इन तीनों में क्या होने वाला है, तीनों का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा, है ना, हीट इंजन का क्या होगा, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा। लेकिन अगर हम लोग कार्नोट साइकिल की बात करें, कार्नोट साइकिल, ठीक है, उसमें जो एफिशिएंसी होती है, अब कार्नोट साइकिल होती क्या है अभी हम लोग, हाँ कार्नोट साइकिल होती क्या अभी बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए पहले, तो देखिए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में हम लोग देखते हैं कि ये इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट ए से ये आता है बी आइसो, अरे सॉरी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है ना, वॉल्यूम कुछ ना कुछ क्या किया होगा, एक्सपेंड किया होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ए से बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, और बी से सी, अब बी से किसी सी आइसोथर्मल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया होगा, तो बी से सी क्या हो गया आइसो, बी से सी आइसोथर्मल हो गया, ये बात समझ में आ गया, और ये भी एक्सपेंशन है। अब सी से डी हम लोग क्या करेंगे, सी से डी आपका, अच्छा ये कर्व अगर हम आगे बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाएं,
तो ये इधर कहीं आएगा, है ना, और ये कर्व कुछ ऐसा था, तो जाहिर सी बात है ये कर्व यहाँ पे बी पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना। अब सी से अब डी जाओगे एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो सी से अब डी जाओगे एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया है, है ना। तो ये सी से डी हो गया आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन, और डी से ए जाएंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, अब जाके साइकिल कंप्लीट हुई। तो ये जो साइकिल है, ये बाउंड्री है, ये दो टाइप के कर्व से मिलके बनी हुई है, है ना। और जो ये साइकिल होती है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो हीट इंजन काम करता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है ना। इन दो टेम्परेचर के बीच में अगर हम बात करें कि बी से सी जब गया था ये, तो कोई टेम्परेचर टी वन रहा होगा, और जब डी से ए गया, ठीक है, तब टेम्परेचर क्या था, टी टू था। ये बात समझ में है ना। तो ये आइसोथर्मल कर्व है बी से सी किसी टी वन टेम्परेचर पे, और ये क्या हो गया, आइसोथर्म हो गया किसी टी टू टेम्परेचर पे, और ये एडियाबेटिक कर्व है। तो हम कहेंगे कि ये इंजन काम कर रहा है टी वन और टी टू के बीच में, टेम्परेचर क्या है, टी वन है और टी टू है, ठीक। टी वन क्या होगा, कम होगा, और टी टू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब टी टू एस टी आर होगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वर होगा, और टी वन क्या होगा, एल टी आर होगा, लो टेम्परेचर रिजर्वर। तो दो बातें इसमें हो गई। तो ये साइकिल जो कहा जाता है, ये कॉर्नोट साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल क्या हो गया, कॉर्नोट साइकिल, और जो इंजन इसको फॉलो करता है, फॉलो करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हम अगर डायग्राम बनाए, चार डायग्राम बनाया जाता है, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, कॉर्नोट साइकिल क्या होती है, कॉर्नोट थ्योरम लिखी है ना, ये सब बस पूछा जाएगा ना, और इसीलिए हम इसका डिटेल वर्किंग सब्सटेंस और ये सब नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए कि आपने हीट दे दिया इंजन को, ये वर्किंग सब्सटेंस है आपका, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, ए से बी आओगे, तो ए से बी क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। इसका मतलब जो ये वॉल होंगी, ये क्या होंगी, एडियाबेटिक वॉल होंगी, कोई भी हीट इस वॉल के थ्रू नहीं, ना तो अंदर जाएगी और ना ही क्या होने वाली है, बाहर आने वाली है, लेकिन ये इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। तो ये यहां से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, सपोज यहां पे आ गया, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो गैस ने क्या कर लिया, गैस ने हीट, ठीक है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, हीट तो वही है उसके पास, तो इसे हम कहेंगे दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब क्या होगा, क्रैंक ऊपर गया, सॉफ्ट ऊपर चला गया, अब जब जाएगा तो वापस क्या होने वाला है, बी से सी, अब हीट रिजेक्ट करेगा किसको, एलटीआर को, आइसोथर्मली, है ना। तो हम लोग यहां से यहां जाएंगे, और ये क्या, अभी भी एक्सपेंशन है, अभी भी ऊपर जाएगा, ये एक्सपेंशन ही, लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो जब देखेंगे बी से सी, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो बी से सी एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या कर रखा है, यहां का टेम्परेचर T1 है, तो यहां का भी टेम्परेचर क्या है, T1 है, ठीक। क्या हो रहा है यहां पे, हीट एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो T1 LTR है, तो हीट क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, क्या होगा, ये Q2 होगा, हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हीट क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है। फिर कहां से जाएगा, यहां से फिर कंप्रेशन होगा वापस। अब डायग्राम अगर हम लोग बनाए, तो यहां से क्या होने वाला है, अब ये कंप्रेस पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, लेकिन वो जो कंप्रेशन होगा वो कैसा होगा, एडियाबेटिक होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और फिर डी से ए फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये बात समझ में है ना, जब कंप्रेस्ड हो जाएगा तो फिर से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस साइकिल में आ जाएगा, फिर वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऐसे चलता रहेगा। ये बात समझ में है ना। तो ये जो इंजन है, इस साइकिल के को जो फॉलो करके इंजन बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नोट इंजन, और कॉर्नोट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट। इस इंजन से कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो रिजल्ट याद रखते हैं, जो यहाँ पे
क्यू1 अपॉन क्यू2 है, क्यू1 अपॉन क्यू2, ठीक है, इसका डेरिवेशन है लेकिन डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, क्यू1 अपॉन क्यू2 ये टी1 अपॉन टी2 के इक्वल होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब वो कार्नोट साइकिल को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आया ना, जब भी कार्नोट साइकिल को फॉलो करेगा तो क्यू1 अपॉन क्यू2 टी1 अपॉन टी2 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आया ना, हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए होगा या कार्नोट इंजन के लिए होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कहा कार्नोट साइकिल के लिए, कि कार्नोट इंजन जो होता है, कार्नोट इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट इंजन, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन, हीट इंजन बिटवीन टू टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 कॉमा T2। ये बात समझ आ गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तीसरी बात, ईटा क्या होता था, हम लोग कहते थे किसी के लिए जो एफिशिएंसी थी W अपॉन क्या थी, Q1 थी, ये तो किसी भी इंजन के लिए था। लेकिन और एक बात और हम लोग पढ़े थे कि W किसके, W इक्वल टू क्या था, Q1 माइनस Q2 होता है। तो अभी तक अगर हम बात W को रिप्लेस कर दे Q1 माइनस Q2 से, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, अलग अलग डिनोमिनेटर कर दीजिए, तो क्या नजर आ रहा है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो गया। तो दैट इज एफिशिएंसी फॉर एनी काइंड ऑफ इंजन। लेकिन जब ये कार्नोट इंजन होगा तो Q2 बाई Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 बाई T1 के इक्वल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए। इसका मतलब जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होगी, अगर आपको STR का टेम्परेचर पता है, LTR का टेम्परेचर पता है, ठीक है, आप उसकी एफिशिएंसी निकाल लोगे, नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट में करके इंटू 100 लिख दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी इन परसेंट 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया परसेंट। पॉज कर देना। तो अब इस पे क्वेश्चन लिखे, न्यूमेरिकल लिखिए, अ कार्नोट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरी of heat from a reservoir at 627 degree centigrade and gives it to a sink at 27 degree centigrade full stop. The work done by the engine is चार ऑप्शन है, ए 4.2 × 10⁶ जूल, बी है 8.4 × 10⁶ जूल,
सी है 16.8 इंटू 10^6 जूल, डी है 0। अब देखिए यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि कितना हीट उसने लिया एचटीआर से, तो एचटीआर का टेम्परेचर कितना दे रखा है 627 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रहे कि जो T1 T2 होता है केल्विन में लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 627 में क्या ऐड कर देंगे 273, तो 100 ये हो गया और 800 ये हो गया, कितना आ गया 900 केल्विन। ठीक है 900 केल्विन। इसका क्या था LTR का टेम्परेचर क्या था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये भी केल्विन में लेना है तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अगर हमें पूछा जाता, ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया पहले वो हम लोग कर लेते हैं। हीट इंजन की जो कारनॉट हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस क्या था T2 by T1। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस कितना है 300 upon 900, कितना आ गया दैट इज 2/3। अगर हम परसेंटेज में कहें तो इसको कितना कहेंगे 2/3 × 100, मतलब लगभग कितना आ जाएगा 66.6%, है ना 66.6%। अब एक बात यहां पे गौर करने वाली है, अगर कोई ये कहता है कि इन्हीं दोनों टेम्परेचर के बीच में कोई इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 80% है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पेयर ऑफ टेम्परेचर के बीच में जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 66.6 आ रही है, तो किसी अदर इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होगी इससे हमेशा क्या होगी कम होगी। वो वाला ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो। ये बात समझ में आ गया, तो इसे बस ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि इन पेयर ऑफ टेम्परेचर के लिए जो कारनॉट इंजन होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब इससे और किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इस पेयर ऑफ टेम्परेचर के लिए नहीं आ सकती है ज्यादा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया था आपको द वर्क डन बाय हीट इंजन, तो एफिशिएंसी हमारे पास 2/3 आ गई है और हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू W by Q होता है W by Q1। इसका मतलब W किसके इक्वल आ जाएगा नीटा इंटू Q1 क्या जाएगा। अब नीटा तो अपनी 2/3 हम लोगों ने निकाल लिया है और Q1 कितना दे रखा है, कितना हीट ले रहे हैं 3 × 10^6, ये कट जाएगा कितना जाएगा 2 × 10^6, लेकिन ये ध्यान रहे कैलोरी है और हमारे सारे ऑप्शंस जूल में है, तो हम 4.2 से क्या करते हैं 1 calorie = 4.2 जूल होता है, ये याद रखिए है ना एनर्जी हीट इक्वलेंट, तो 1 calorie = 4.18 होता है या 4.2 जूल, वो डेटा देके हम लोग बात कर लेंगे, तो 4.2 कर देते कितना जाएगा 8.4 × 10^6 जूल हो जाएगा। कोई ऑप्शन है? ठीक है, अब सोचो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। हाँ ठीक, नोट करो, अरे बोल रहे तो ये नोट करो ना, बोलिए तो लिखिए ए कारनॉट इंजन, ए कारनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन temperatures T1 and T2 has efficiency 1/6
when T2 is lowered, when T2 is lowered by 62 Kelvin, 62 Kelvin, its efficiency increases to 1/3. Then T1 and T2 are T1 and T2 are respectively option A 372 Kelvin and 330 Kelvin. T1 की वैल्यू T2 372 Kelvin and 330 Kelvin. B option 330 Kelvin and 268 Kelvin. Option C 310 Kelvin and 248 Kelvin. Option D 372 Kelvin and 310 Kelvin. तो देखिए जब टेम्परेचर क्या था T1, T2 था तो जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी नीटा थी 1/6 ऐसा कहा गया है ना एक इंफॉर्मेशन और दूसरा इंफॉर्मेशन कहा गया है कि अगर हम T2 को लोअर्ड कर दें कहा गया ना बाई कितना नहीं 62 डिग्री लोअर कर दे मतलब अब जो T2 था वो T2 माइनस 62 हो गया तो अब जो नई एफिशिएंसी आई है इंजन की वो क्या हो गई 1/3 हो गया इंक्रीज टू 1/3 हो गया है ना इंक्रीज करके 1/3 हो गई ठीक ये बात समझ में आया ना 1/6 का मतलब पॉइंट क्या आएगा 0.1 करके कुछ आएगा है ना 1 के बाद कुछ होगा यहाँ क्या होगा 0.3 हो गया तो बढ़ गई एफिशिएंसी तो सिंपल फॉर्मूला लिख देना है तो इसके लिए अगर हम इस अपर वाले इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लिखें तो नीटा क्या हो जाएगा 1/6 जो हो जाएगा ये 1 माइनस T2 बाई T1 होता है T2 बाई T1 हो गया इसका मतलब ये एक इक्वेशन आ गई आपकी ठीक है ये इसको इधर ले आइए 1/6 को उधर ले जाइए तो क्या आएगा T2 बाई T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6 होगा अब वो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा ये बात समझ में आ गया तो T2 क्या आ जाएगा यहां से T2 आ जाएगा 5/6 ऑफ T1 एक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज कर लिया अभी दूसरी इंफॉर्मेशन बाकी है तो इसके लिए एन डैश लिखें 1/3 क्या है नीटा डैश है और नीटा डैश के लिए जब आप लिखोगे तो 1 माइनस T1 बाई T2 तो T2 बाई T1 तो T2 यहां पे हम क्या लिखेंगे T2 माइनस 62 अपॉन T1 हो गया ये बात समझ आ गया अच्छा यहां पे एक और चालाकी कर सकते थे हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी 1/3 और ये ध्यान से देखो इसके नीचे अलग कर दे इसके नीचे अलग कर दे T1 को तो 1 माइनस क्या हो जाएगा T2 बाई T1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 62 अपॉन T1 और इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है ना इस ब्रैकेट की देखो जो पहले हम इंफॉर्मेशन लिखे थे ये वाला क्या 1 माइनस T2 बाई T1 कितना दे रखा है 1/6 तो वहां 1/6 रख सकते थे हम तो अगर 1/6 यहां रख दे हम तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस अब ये जल्दी से एलिमिनेट करने की बात है वरना हम ये वाला निकाल चुके हैं T2 जहां पे रख देते तब भी आ जाता लेकिन अभी जल्दी से हमें दिख रहा है एलिमिनेशन इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू था इक्वल्स टू क्या था आपका 1/3 इक्वल्स टू 1/6 और प्लस 62 बाई क्या है T1 है
अब इसको उधर ले जाइए तो 1/3 मतलब 2/6 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1/6, तो 1/6 इक्वल्स टू 62/T1 आ गया। तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया, हाँ 6 2 12 1 और 6 3 36 प्लस 1 37। अब बताइए चार ऑप्शन आपको दिया गया था, T1 किसमें इतना है, सिर्फ लास्ट और पहला वाले में भी है, मतलब फंस गया मामला, अभी निकालना पड़ेगा T2 को भी, है ना, वरना किनारे हो गए होते पक लगा के ऑप्शन। चलिए तो T2 निकालने के लिए हमारे पास तो आ ही चुका है ये वाला, तो T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा 5/6 इंटू 372, तो 6 6 36 और 6 2 12 6 5 310 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ गया, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए कार्नोट साइकिल, कंसीडर ए कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन प्रोड्यूसिंग 1 kJ ऑफ मैकेनिकल वर्क, 1 kJ ऑफ मैकेनिकल वर्क पर साइकिल, पर साइकिल फुल स्टॉप। फाइंड द हीट ट्रांसफर्ड, फाइंड द हीट ट्रांसफर्ड टू द इंजन बाय द रिजर्वर, बाय द रिजर्वर। ऑप्शन नहीं है, नहीं ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, सिंपल है करो फिर, अरे क्या दिया है।